बात करते हैं, क्या मॉल में जानबूझकर नमाज? चलिए लगातार इस खबर पर बने हुए, क्योंकि देखिए अभी देश में लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। जिस तरह से लखनऊ के सबसे बड़े मॉल 2000 करोड़ की जिस लागत से तैयार हुआ लुलू मॉल, उसमें नमाज पढ़ा गया, उसके बाद से घटना वायरल हुई, उसके बाद से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। जहां हिंदू महासभा के नेता ने आज लखनऊ पुलिस को एक और वीडियो सौंपा है जिसमें दो लोगों को मॉल में नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मॉल प्रबंधन की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि उसके मुताबिक बाहर के लोगों ने जानबूझकर मॉल में नमाज पढ़ी है। यानी उनका इशारा यह है कि यह मॉल को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। वही हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी के घर आज उस वक्त पुलिस पहुंच गई जब वो आज शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने पर अड़ गए। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि मॉल में नमाज पढ़े जाने की घटना दोबारा नहीं होगी, वहीं इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा। इसके बाद उन्होंने सुंदरकांड पाठ करने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। लेकिन हिंदूवादी संगठन है जो मॉल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने पर फिलहाल अड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस तरह से कई ऐसे हैं जिसमें एज ग्रुप नहीं लिखा हुआ है। याद रखिए एज ग्रुप जो है वो नहीं डाला हुआ है कि आखिर ये जो बच्चा है इसका एज सिकलवार के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सिकलवार का है, सुबह का है। लगातार ये सोशल साइटों पे चलता रहा है। चौराहे पे बैठकर, गली में बैठकर, रोड पर बैठकर भगवान के नाम नहीं दिए जाते, ये दिखावा करते। लखनऊ में लुलू मॉल खुले हुए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि विवादों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विवाद की वजह है एक के बाद एक सामने आए ये दो वीडियो। पहले वीडियो में कुछ लोग लुलू मॉल की तीसरी मंजिल पर नमाज पढ़ते दिखाई दिए। ये वो जगह है, हम आपको बताएं जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय। ये लुलू मॉल का तीसरा फ्लोर है और यहां पर ये स्पेस जो है खाली स्पेस है। यहां पर कल नमाज जो ऑफर की गई थी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो को वायरल होने के बाद लगातार से हिंदू संगठन एक्टिव है और उनका मानना है कि यहाँ पर नमाज अगर ऑफर की गई है तो यहाँ पर हिंदुओं का भी कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। इस वीडियो पर बवाल मचा। हिंदू महासभा के साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि इसे रोका जाए, नहीं तो वो मॉल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लखनऊ प्रशासन फौरन हरकत में आया। वहीं मॉल प्रबंधन ने दावा किया कि उनका नमाज पढ़ने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उसने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। मगर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने एक और वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर मॉल में नमाज पढ़ी गई। इस बार वीडियो में दो लोग मॉल में नमाज पढ़ते देखे गए। शिशिर चतुर्वेदी ने दावा किया कि इस मॉल को एक खास मकसद से बनाया गया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी सोच के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो नौकरी मिल सके, व्यवसाय मिल सके, उसके लिए उन्होंने उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। उसी के तहत यहाँ पर ये लुलू मस्जिद बनी है। तो अब इसको लुलू मस्जिद आप कह दीजिए या लुलू मॉल कह दीजिए, तो ये लुलू मॉल जो है यहाँ पर लव जिहाद की स्थितियाँ बनती रही हैं। लगातार ये सोशल साइटों पर चलता रहा है। ये यहाँ जो भर्ती की गई है उसकी आप वो पत्र मंगवा लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। शिशिर चतुर्वेदी का आरोप है कि मॉल में 80% कर्मचारी मुस्लिम है और सिर्फ 20% हिंदू। हिंदुओं में भी सिर्फ हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखा गया है। इस आरोप को मॉल प्रबंधन खारिज कर रहा है। मॉल के मैनेजर कर्मचारियों की लिस्ट लेकर शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि उनका आरोप झूठा है, मगर शिशिर चतुर्वेदी को उनकी दिखाई लिस्ट पर भरोसा नहीं है। मार्केट की बात करें है तो यहाँ पर डायरेक्ट पेरोल पे लगभग 1100 से 1200 लोग हैं
और बात करें वर्क की तो हमने यहाँ पे दो वॉक इन इंटरव्यूज रखे थे जो दो अलग अलग डेट पे थे और इसको हमने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर में ऐड दिया था और उसमें मेरिट बेस पर बच्चे सिलेक्ट किए गए और आपने खुद हमारे साथ में पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर हर वर्ग के बच्चे हैं और अपने मेरिट पे ये सिलेक्ट होके इस रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन किए हैं। क्या हमने जो आरोप लगाए उनको उनकी पुष्टि की जाए तो जो कर्मचारियों की लिस्ट वो टाइप करके लाए थे तो हो सके वो केस की कहां से लाए कैसे लाए ये तो हम नहीं देखे ना, तो प्रशासन के लोग देखेंगे। 1000 लोगों की लिस्ट थी, वो इतनी मोटी लिस्ट थी तो उन्होंने ऐसे हमको दिखाई क्योंकि उन्होंने कहा केस प्रॉपर्टी है तो ये हम आपके लिए लेके आए हैं, तो ये कह के वो उन्होंने कहा आपको जांच के लिए कुछ समय दिए। इस बीच शिशिर चतुर्वेदी ने ऐलान कर दिया कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो वो शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये कहा कि जहां नमाज पढ़ी गई वहां वो सुंदरकांड का पाठ होगा। इस ऐलान के बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में आ गई। शिशिर चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, खुद एडिशनल CP उनके घर पहुंचे। भारी पुलिस बल, हिंदू महासभा के प्रवक्ता के घर के बाहर तैनात पुलिस के उच्च अधिकारी लुलू मॉल के GM को लेकर प्रवक्ता के घर पहुंचे। उनके मुताबिक ये भरोसा दिया गया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। अभी जो उच्च अधिकारी आए थे और लुलू मॉल का प्रबंध समिति आई थी, वो समिति दो आई, उन्होंने कहा कि जो दोबारा वहाँ पर नमाज का जो मामला आया था उसी को लेकर के कल रात में उसी वीडियो के आधार पे प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया और एक FIR दर्ज की और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए लुलू मॉल ने कुछ समय मांगा कि अपने कैमरे, क्योंकि सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें मैं फोटो को तराशूंगा कि कौन लोग हैं जो लुलू मॉल को बदनाम करना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ समय मांगा है और ये कहा है हम निश्चित तौर पर ADCP साहब ने, राजेश श्रीवास्तव जी ने, कि हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शिशिर चतुर्वेदी ने फिलहाल लुलू मॉल में सुंदरकांड के पाठ की जिद को टाल दिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये टाला है, रद्द नहीं हुआ है। हिंदू संगठनों की मांग है कि अगर मॉल में नमाज पढ़ने की इजाजत है तो वहां सभी धर्मों को जगह दी जानी चाहिए ताकि वो भी वहां प्रार्थना कर सके। हालांकि UP सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, लिहाजा इस विवाद को यहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।